नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल आयुष में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एंजल ब्रोकिंग से अपना कोई भी आईपीओ कैसे खरीद सकते हैं और 100% आपको कैसे मिलेगा, वही मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको अपना आईपीओ खरीदने के लिए एंजल ब्रोकिंग या फिर आप स्टॉक या फिर जरूरत है या फिर कोई भी एप्लीकेशन डीमैट अकाउंट आपको ओपन करना होगा। तो अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किए हैं तो आपको मैं एंजल ब्रोकिंग का लिंक दे दूंगा। आप इसके थ्रू बिना किसी इन्वेस्टमेंट का आप सिंपली अकाउंट ओपन कर सकते हैं और आप यहां से पैसे भी कमा सकते हैं। तो मैं आपका इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा और इसका रेफरल कोड भी दे दूंगा, अगर आप उसको डालेंगे तो आप उससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो रेफरल कोड के लिए चलिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको ऊपर क्लिक करना होगा यहां पे, और जो ये मेरा रेफरल कोड है जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरा रेफरल कोड है। आपको ये रेफरल कोड यहाँ पर डालना होगा 8564910। ये मेरी अकाउंट है, ये रेफरल कोड नहीं है। चलिए हम रेफरल कोड अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, रेफर एंड अर्न का ऑप्शन देख रहे होंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे रेफर एंड अर्न के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये जैसे ही खुलेगा ये जो कोड है आपको ये कोड डालना है और इसका मैं लिंक आपको दे दूँगा। ये कोड आप डालेंगे तो आपको यहाँ पर 50 रुपये से ले कर 2000 रुपये तक का आपको पैसा मिल जाएगा। सिंपली आप ऐसे अकाउंट बना लीजिएगा। अकाउंट जैसे हम बनाते हैं उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे नीचे डिस्कवर पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है आईपीओ खरीदने के लिए। चाहे कोई भी आईपीओ खरीदना हो, LIC का आईपीओ हो या फिर कोई भी आईपीओ हो, फिर सिंपली आप यहाँ पे देखेंगे तो आईपीओ का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे आईपीओ ऑप्शन पे यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही आईपीओ खरीदेंगे यहाँ पे जो भी आईपीओ चल रहा होगा वो यहाँ पे शो होता जाएगा। अभी आप देख सकते हैं LIC ऑफ इंडिया का आईपीओ चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका क्लोजिंग जो है 5 डेज बाद, मतलब 9 मई शाम को 6:45 इसका क्लोजिंग होगा। और इसके बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो नो मोड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको बताया जाएगा कि जो आईपीओ का प्राइस है वो 902 रुपये से 949 रुपये है और जो लॉट की साइज रहेगी वो 15 की रहेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्काउंट जो मिल रहा है वो 45 रुपये का मिल रहा है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना है और जो ये इशू साइज होगा ये 20,000 करोड़ का इशू यहाँ पे आप देख सकते हैं। 20,000 करोड़ मतलब मान के चलिए आपका 21 करोड़ का यहाँ पे हो रहा है। अगर आप दोस्तों यहाँ पे LIC के अगर आप होल्डर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं अगर आप LIC पॉलिसी लिए हैं तो आपको स्पेशल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको कैसे करना है अप्लाई, चलिए हम आपको बताते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली अप्लाई नाउ के ऑप्शन पर देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो अब जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आपको देख सकते हैं लॉट की साइज़ है, आपको जितना लॉट लेना है वो लिखना है और आपका जो पेमेंट मेथड है वो लिखना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों बाकी आती है, अब आप अगर पॉलिसी होल्डर है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप लिख सकते हैं एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर या इम्प्लॉई। अगर आप इम्प्लॉई हैं तो आपको और फ़ायदा होगा। अगर आप पॉलिसी होल्डर है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और नीचे इन्वेस्टमेंट आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपको सिंपली इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको फ़ायदा बता देता हूँ इससे कि आप इस पर करेंगे तो आपको ये बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाएगा 10% के आसपास। तो आपको यहाँ पे इन्वेस्ट पे क्लिक करना है। तो अब जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कंफर्म का ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा नीचे, सिंपली आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो अब जैसे ही यहाँ पर कंफर्म करेंगे ये आपका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ आ रहा है यू विल रिसीव नोटिफिकेशन पेमेंट। आपको ऑर्डर चेक करने के लिए यहाँ पे चेक करते रहना है और आपका जो पेमेंट है आप वो 10 तारीख तक मतलब 10 मई तक पेमेंट कर सकते हैं। और जो ये अलॉटमेंट है ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं 12 मई तक का अलॉटमेंट होगा। तो आप यहाँ से सिंपली ऑर्डर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं पेमेंट का। दोस्तों आपको सिंपली इसको रिक्वेस्ट किया गया है, जो भी हमने UPI दिया है वो होगा अलॉटमेंट आपका ये हो जाएगा 12 तारीख को। और जो IPO लिस्टिंग है वो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 17 मई को ये IPO लिस्ट होगा, जिससे कि आप उसको सेल भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप IPO दिए हैं आप जिस जो भी आप यहाँ पे UPI ID दिए रहेंगे UPI ID पे वो ऑप्शन जाएगा 13,300 इतना रुपये और आपका जो भी स्टेटस है वो पेंडिंग है। जैसे हम ट्रांजेक्शन करेंगे वो सक्सेसफुल हो जाएगा। चलिए हम Google Pay जाते हैं और देखते हैं कि अभी तक दोस्तों हमने Google Pay जाके देखा हमारा IPO अभी तक नहीं आया है, लेकिन रिक्वेस्ट मैंने यहाँ पे आप कर देंगे तो ये आपको कुछ घंटों में वहाँ पे Google Pay या फ़ोनपे पे आप जिस पे भी UPI आपका ये होगा वहाँ पे आपका
चला जाएगा और आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है। अब इसको चाहें तो यहाँ से मॉडिफाई भी आप सिंपली कर सकते हैं। मॉडिफाई में आप चाहेंगे तो फिर से यहाँ पे जो चीज़ें चेंजेस करने चाहते हैं वो कर सकते हैं। अगर आपको अलॉटमेंट की साइज़ बढ़ानी है तो भी आप बढ़ा सकते हैं। अगर आपको इसको कैंसिल करना है तो आपको सिंपली कैंसिल पर क्लिक करना है। आप पेमेंट करने के बाद भी आप कैंसिल यहाँ पर कर सकते हैं। दोस्तों इस तरीके से आपका अलॉटमेंट सिंपली हो जाएगा। जैसे ही अलॉटमेंट होगा आपको यहाँ पे शो हो जाएगा और आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप LIC के अलावा और भी कोई IPO सिंपली ले सकते हैं। और आपको अगर 100% लेना है तो उसके लिए आपको सिंपली IPO पे क्लिक करना है और अप्लाई के ऑप्शन पे जाना है। और जो लॉट की साइज है आपको सिंपली 1 ही रखना है। अगर आपको कंफर्म पाना है तो अगर आप 15 रखेंगे तो इसमें हो सकता है कि आपको मिलने का चांस ना हो। तो आप कोशिश करिएगा कि आप 1 या 1 से लेके 5 तक ही लें। कोशिश करिएगा कि आप 1 ही लीजिएगा और जो आपकी UPI ID है वो सही होनी चाहिए और ये भी लगभग सही होना चाहिए। और मतलब जो भी आप सारी डिटेल यहाँ पे आप भरते हैं आपको पूरा सही होना चाहिए। अब दोस्तों एक बार याद रखिएगा, अब ये मैंने एक बार ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है पॉलिसी होल्डर के लिए तो मैं अब फिर से अप्लाई नहीं कर सकता। दोस्तों पॉलिसी होल्डर कैसे देखेंगे, जैसे कि आपका जो पैन कार्ड है और आपने जो अपने पॉलिसी होल्डर में अगर पैन कार्ड लगाया है तभी ये मैच होके आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नहीं तो आप न्यू पे ही अप्लाई करिएगा तभी मिलेगा। दोस्तों ये कंफर्म है। जैसे आप मान लीजिए कि आपने पॉलिसी नहीं लिया LIC का और आपने पॉलिसी होल्डर लगा के कर दिया है और आपके पैन कार्ड में LIC का कोई भी पॉलिसी नहीं है तो उन केस में आपका LIC का IPO कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपने IPO नहीं लिया है तो आप न्यू का ही ऑप्शन करके इन्वेस्ट करके कंफर्म करिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे दो इन्वेस्टमेंट हो चुका है। एक तो इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल हुआ है और एक एग्जिटिंग पॉलिसी होल्डर के थ्रू हुआ है। तो दोनों का पेमेंट मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ और जिसको चाहूँ उसको कैंसिल कर सकता हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप कोई भी IPO सिंपली ले सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि आप बिना IPO के भी पैसा कमाना चाहें तो उसके लिए आपको फ़ंड के ऑप्शन पर जाना है। आप यहाँ देख सकते हैं आपका जो भी पैसा रहेगा वो हो जाएगा। आपको सिंपली ऊपर आप देख सकते हैं ऊपर जाना है और आपको रेफर एंड अर्न के ऑप्शन पे जाना है। आप यहाँ पे मोर्स का ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप किसी को भी अपना लिंक शेयर कर सकते हैं और आप यहाँ पे सिंपली पैसा कमा सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने अपना 770 रुपये अभी मैंने इन्वेस्ट करके कमाया है सबको भेज भेज के। तो जैसे ही आप किसी को भेजते हैं उसके बाद आपको सिंपली फिर से यहाँ पर जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे ऑफ़र और रिवॉर्ड्स के ऊपर जाना है। तो सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आप ऊपर यहाँ पे देखेंगे व्यू का ऑप्शन आपको दिखेगा। तो सिंपली आपको व्यू के ऑप्शन पे ही जाना है। दोस्तों आप यहाँ पे जितने भी कस्टमर को लाएंगे आपको यहाँ पे ही स्केच कार्ड मिलेगा। अभी तो मैंने मेरा कोई स्केच कार्ड नहीं है क्योंकि मैंने अभी तक जितने भी था मैंने सब यूज कर चुका है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा कोई स्केच कार्ड नहीं है। दोस्तों इस तरीके से आप सिंपली किसी को भी इनवाइट कर सकते हैं और ये जो डेटा है ऑल मैं ले रहा हूँ तो इसलिए नहीं भी किसी विजिटर नहीं हुआ है। दोस्तों इस तरीके से आप किसी को भी रेफर करके भी आप सिंपली पैसा कमा सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप कोई भी IPO खरीदने के लिए सिंपली आप यहाँ पर एंजल ब्रोकिंग से लेंगे तो सिंपल रहेगा। आपको सिंपली IPO के ऑप्शन पर जाना होता है। दोस्तों उसके बाद जैसे ही आप IPO का ऑप्शन भिजाएंगे आपको सिंपली कुछ नहीं अप्लाई पे करना है और नो मोर पे कर लेना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको कोई भी IPO ख़रीदने के पहले आपको रिसर्च कर लेना है। और ये जो आप तो मैं यही कहूँगा कि IPO आप तभी खरीदिए, लास्ट वाले दिन ही खरीदिए। यहाँ पर सारी चीज़ें को चेक करके कि उसका रिटर्न क्या है, सारी चीज़ें क्या हैं आपको रिसर्च कर लेनी है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल में न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों एक बात मैं आपको और बता दूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं IPO सब्सक्रिप्शन स्टेटस विल बी अवेलेबल ऑफर 11 AM। तो दोस्तों ये जब सब्सक्रिप्शन आपको देख के ही IPO लेना है वो भी लास्ट वाले दिन लेना है। अगर ये IPO 8 से 10 गुना तक 8X या 10X या 5X के ऊपर अगर IPO जाता है तभी ही आपको कोई IPO ख़रीदना है। ऐसे कोई IPO में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो रिक्सी हो सकता है। अगर वो 2 गुना या 2 गुना जाए या 1 गुना जाए तो ऐसा IPO को नहीं लेना है, नहीं तो उसका हाल Paytm जैसे होगा। तो आप यहाँ पे ये सब ध्यान रखते हुए ही IPO को लीजिएगा। जय हिंद।
जय भारत दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।